हेलो सर, हमारे कुछ कस्टमर की बैटरी ऑर्डर पे थी। आप देख पा रहे हैं ये 24 वोल्ट 10 एम्पीयर की दोनों बैटरी पैक बन रहे हैं। तो ये स्पॉट वेल्ड हो चुका है, आप देख पा रहे हैं BMS लग चुके हैं। ये BMS लग चुका है, ये स्पॉट वेल्ड हो चुकी है दोनों बैटरीज। प्लस अभी हमने इसको लगा दिया बैलेंसिंग में, आपको दिखा रहे हैं। ये है आपका, ये बैलेंसिंग में लग गई है, आप देख पा रहे हैं। ये हर सीरीज को वोल्टेज को सेम करना इम्पोर्टेंट रहता है, बैलेंसिंग करना हर बैटरी का इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि कस्टमर को जो माइलेज, बैटरी की जो माइलेज होती है और बैटरी की जो लाइफ होती है उसको प्रॉपर मिले कस्टमर को। तो आपने कई वीडियोस देखे होंगे, अभी अभी हाल ही फिलहाल में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि अपना कई गाड़ियों में, कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगी गाड़ियों में बैटरी में आग लगने की बहुत शिकायत देखी होगी। अभी अभी बहुत सारी ऐसे वीडियोस रिलीज हुए हैं। तो दोस्तों, हमारा फोकस यही रहता है कि जो भी बैटरी हम बनाते हैं, हम हर कस्टमर की बैटरी मतलब इतना इस तरीके से बनाते हैं ताकि कस्टमर की कोई बैटरी में किसी प्रकार से बर्निंग का या कोई भी ऐसा मतलब कोई दुर्घटना ना हो, ताकि कोई बैटरी में आग लगे और कस्टमर को किसी प्रकार से रिस्क हो। तो आप देख पा रहे हैं सेल के ऊपर भी ये कोटिंग रहती है, ताकि इसके अंदर सेल में जो है हीटिंग ज़्यादा ना पड़े और इसका कोई शॉर्ट सर्किट सेल को इफेक्ट ना हो शॉर्ट सर्किट से। तो इस तरीके से बैटरी हमारी बनती है। बैटरी के हर एक सेल की जो IR चेक होता है, IR चेक करने के बाद फिर स्पॉट वेल्डिंग होती है। स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद बैलेंसिंग करते हैं, फिर बैटरी को BMS लगाते हैं, फिर बैटरी चार्ज करने के बाद, फुल चार्ज करने के बाद फिर बैलेंसिंग करते हैं, ताकि जो बैटरी का जो हर सीरीज का जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए, उस हिसाब से हम बैटरी हमेशा बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारी बैटरी बनती है। हमारी जितनी भी अभी तक हमने बैटरी बनाई है करीबन दो साल के अंदर एक भी बैटरी में, किसी भी बैटरी में हमारी एक भी बर्निंग की कोई चांस नहीं है, एक भी मतलब बैटरी में आग नहीं लगी अभी तक। तो आपने बहुत सारे कंपनियों के, बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उसमें आपने बैटरियों में देखी होगी, आपने अभी हाल ही फिलहाल में काफ़ी सारे बैटरीज में आग लगने की शिकायत। तो ये सब उस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं, तो वो सेफ्टी और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो ऑर्डर्स निपटाने में लगे रहते हैं, क्योंकि हर कोई आजकल मुनाफे के लिए बैठा हुआ है। मगर ये बैटरीज पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है मतलब सेंसिटिव चीज़ है, थोड़ी भी चूक हुई कस्टमर के लिए भी रिस्क है, और कस्टमर का बैटरी के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है और जो भी व्हीकल बनाते हैं या कंप्लीट खरीदते हैं उनका भी लॉस होता है। तो हम जो है, हमारी जो बैटरीज हैं, हम हर तरीके से मतलब किसी प्रकार से कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट ना हो, उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं हर चीज़ हम मेंटेन करके और तरीके से बनाते हैं, ताकि किसी भी ग्राहक का ना नुकसान हो ना ही उनको जानवान की कोई खतरा हो, उस प्रकार से हम बैटरी बनाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी बैटरीज मिल जाएंगी, 24 वोल्ट 36 वोल्ट 48 वोल्ट 60 वोल्ट 72 वोल्ट तक। तो इस प्रकार से हमारी बैटरी पैक बनती है। अभी इसको पैक करना बाकी है, पैक करने का आगे का आपको वीडियो दिखेगा किस प्रकार से हम इसको पैक करते हैं पूरा सेफली तरीके से। ठीक है दोस्तों, खलो सो देख पा रहे हैं ये बैटरी पैक हमारा लगभग पूरा रेडी हो चुका है, बस इसको PVC कवर के साथ चढ़ाना बाकी है, PVC कवर चढ़ाना बाकी है। तो इस प्रकार से हम पूरा बैटरी पैक सिक्योरली पूरा पैक करते हैं, आप देख पा रहे हैं, मतलब किसी प्रकार से इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उस प्रकार से हम बैटरी पैक बनाते हैं। ये चार्जिंग सॉकेट है, ये XT60 male फीमेल कनेक्टर है, किसी प्रकार से इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो उस प्रकार से हम इसको बैटरी को पूरा तैयार करते हैं, ताकि किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होके किसी भी कस्टमर को कोई ऐसा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े, ताकि कस्टमर की जान के ऊपर बनाए। तो इस प्रकार से हम पूरा बैटरी पैक रेडी करते हैं, आप ये बैटरी पैक भी देख पा रहे हैं। तो हम हर बैटरी पैक को इस प्रकार से बनाते हैं, ताकि कोई भी बैटरी शॉर्ट सर्किट होके बर्न होने की कोई चांसेस ना हो, इस प्रकार से बैटरी पैक हम रेडी करते हैं, तो कोई भी ग्राहक को कोई दिक्कत ना है, उस प्रकार से हम बैटरी रेडी करते हैं। अभी इसके ऊपर चढ़ेगा ब्लू शीट मतलब PVC कवर, PVC कवर के होने के बाद हमारा ये बैटरी पैक रेडी हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये बैटरी पैक पूरा रेडी हो चुका है, आप देख पा रहे हैं ये 24 वोल्ट 10 एम्पीयर का बैटरी पैक, ये भी 24 वोल्ट 10 एम्पीयर का बैटरी पैक, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है जो हम कस्टमर की बैटरी पे लगा के देते हैं, बाकी ये वो डिटेल्स स्पेसिफिकेशन डिटेल्स है, आप देख पा रहे हैं ये जो बैटरी डिटेल्स होती हैं ये सब मैंशन कर दी अपन ने, नीचे डेट वगैरह हर चीज़ अपन ने मेंशन कर दी है। तो ये बैटरी पैक जो है ये रेडी हो चुका है कस्टमर का, ये जा रहा है ये हम जो भी बैटरी पैक कस्टमर को देते हैं लिथियम चार्जर के साथ ही देते हैं, तो ये जी कंपनी का लिथियम चार्जर है, 24 वोल्ट 2 एम्पीयर का लिथियम चार्जर। तो ये बैटरी पैक रेडी,
तो दोस्तों मेरे पास ऑल बैटरीज मिल जाएंगी 48 वोल्ट 30 एम्पियर, 48 वोल्ट 20 एम्पियर, और ये देख पा रहे हैं ये भी कस्टमर के ऑर्डर पर थी बैटरियाँ। तो दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा पूरा टोटल एड्रेस है, तो आप मेरे एड्रेस पर भी आके मेरे से जीके के प्रोडक्ट ले सकते हैं। जीके के कन्वर्जन किट मिल जाएगी मेरे पास 24 वोल्ट 250 वोल्ट 36 वोल्ट 250 वोल्ट अब मोटर किट प्लस आपका 48 वोल्ट 550 वोल्ट 48 वोल्ट 750 वोल्ट जितने भी जीके के प्रोडक्ट आते हैं, और जीके की हार्ड केस डिटेचेबल बैटरी भी मेरे पास अवेलेबल रहती है। तो दोस्तों मेरे पास जीके कंपनी का मध्य प्रदेश कटनी से मैं डीलर हूँ, तो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए जीके के मिल जाएंगे। बाकी बैटरीज़ का मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो बैटरीज़ भी मेरे पास ऑल बैटरीज आपको लिथियम आयन बैटरीज मिल जाएंगी। हम लिथियम आयन पर काम करते हैं, लिथियम फॉस्फेट पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि लिथियम फॉस्फेट पे काफ़ी सारी दिक्कत आती है, और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारी बर्निंग की जो वीडियोज़ आई थी वो लिथियम फॉस्फेट में काफ़ी सारी वीडियोज़ आई हैं, उसकी वजह से हम लिथियम फॉस्फेट पर बिल्कुल ही काम नहीं करते।